हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम एक ग्राइंडर बनाएंगे, वो भी 755 मोटर की हेल्प से। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे मैं भी ग्रो कर सकूँ, आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो भी इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे उन्हें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब यहां से बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आप जो पैकेज देख रहे हैं, इसे मैंने अमेजोन से मंगाया है और इसी के अंदर मेरा ग्राइंडिंग मशीन बनाने का सामान है। तो फ्रेंड्स, इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं RS का 755 मोटर और ये यहाँ पर इसका एडेप्टर टूल किट है। इसके अंदर आपको नेसेसरी सभी पार्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप इसका कंप्लीट किट देख सकते हैं। ये इसका एडेप्टर है, एक हमारी 755 मोटर पे लगेगी और इसके ऊपर हमारी ग्राइंडिंग व्हील लगेगी। इस टूल की हेल्प से हम ग्राइंडिंग व्हील को इसके ऊपर टाइट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिससे वो स्लिप ना खाए कटिंग के टाइम पे। यहाँ पे पहले सबसे पहले हम अपने इस एडेप्टर को 755 मोटर पे फिक्स करेंगे अच्छे तरीके से एलन की हेल्प से। बिल्कुल टाइट अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल स्लिप ना करे चलते वक्त। यहाँ पे फ्रेंड्स, हम इस रेज टूल की मदद से अपनी डिस्क को इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं, मन से टाइट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप ऑर्बिट का ग्राइंडिंग व्हील देख सकते हैं, ये आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा बड़ी आसानी से। यहाँ पे हम अपनी ग्राइंडिंग व्हील को इस मोटर के ऊपर अच्छी तरीके से टाइट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। यहाँ पे फ्रेंड्स, इसे मैं चलाने के लिए 19 वोल्ट का चार्जर यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इसके लिए 24 का चार्जर या बैटरी यूज करें, तभी आपको इससे एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। यहाँ पे मल्टीमीटर में देख सकते हैं 19 वोल्ट। देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी खासी RPM है। वैसे तो ये 24 वोल्ट पे 10,000 RPM पे रोटेट कर सकता है, लेकिन मेरे पास 24 वोल्ट का है नहीं, तो मैं इसे 19 वोल्ट से चला रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको एक शाफ्ट काट के दिखाऊंगा जो 4 mm डाया की है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। हमेशा इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से काट लेंगे। ये वो हमारा ग्राइंडर स्टार्ट हो गया है। नाउ फ्रेंड्स, अब जाने का टाइम आ गया है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा हो, लाइक करें। और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे मैं भी ग्रो कर सकूँ और आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हम दोबारा एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। आप RC कार कैसे बना सकते हैं, इसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखिए और राइट वाला वीडियो देखिए। आप फ्लाई स्काई को 10 चैनल में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और 10 चैनल का S+ रिसीवर कैसे बना सकते हैं।